हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है, हाई कोर्ट में आपको मालूम है कि जो वैकेंसी आई वो किसकी आई है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। इस ग्रुप डी की वैकेंसी पहली बार बाय रिटर्न हो रही है। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुई थी ना, वो सारी कैसे होती थी, केवल इंटरव्यू बेसिस ही थी एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम होते नहीं था, केवल और केवल उसमें क्या होता था, इंटरव्यू होता था। अब उसमें इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में क्या होता है आपको मालूम है, इंटरव्यू में क्या होता है सब जानते हो अच्छी तरीके से, कि इंटरव्यू चाहे आप कितना ही अपने तरीके से उसको सही प्रोसेस से कर लिया जाए, तो भी जहन में एक ही बात होती है कि यार इंटरव्यू में तो सेटिंग चलती है, जैसे उन्हें क्या चलता है, पैसा चलता है, होता है कि नहीं होता। यही सोचते हैं कि इंटरव्यू जहाँ पर शब्द आ जाता है ना, वहाँ पर ये सोचते हैं कि यार इंटरव्यू का मतलब है, और पूरी एग्जाम अगर इंटरव्यू के बेस पे है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो जैक और चैक चलेगा। ये हमारी साइकोलॉजी होती है, कोई भी देख लो। तो इसी साइकोलॉजी को तो दूर करने के लिए पहली बार क्या किया गया है, जो ग्रुप डी की एग्जाम है, इस ग्रुप डी की एग्जाम में रिटर्न प्रोसेस किया गया, एग्जाम रिटर्न कर दिया इसको, और रिटर्न में भी क्या फॉर्मेट किया वो आपको मालूम है, पहले भी ये 100 अंक की होती थी और अब की बार भी कितने अंक की हो रही है, 100 ही अंक की हो रही है। पहले 100 अंक का क्या होता था, सीधा सीधा इंटरव्यू होता था और ये होती नहीं थी। अब की बार क्या कर दिया इसमें, 85% का तो आपको देखो रिटर्न कर दिया और 50% 15% का आप इसमें इंटरव्यू कर दिया, यानी इंटरव्यू केवल 15 अंक का है अगर अंक के हिसाब से आप देखें, और अगर इधर रिटर्न देखें तो 85 अंक की आपकी क्या यहाँ पर ये रिटर्न है। अब रिटर्न में भी देखो इसको उन्होंने क्या कर दिया, तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, आप इसमें देखोगे तो तीन पार्ट के अंदर इसमें डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट में जो किया है, इसमें एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा आपको मालूम है अपना कल्चर। ये केवल तीन ही टॉपिक है, हिंदी इंग्लिश और कल्चर। हिंदी का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा है, 40 क्वेश्चन 40 अंक के इसमें किसके होंगे, हिंदी के होंगे। इंग्लिश की अपन बात करें तो इंग्लिश का वेटेज फिर सेकंड नंबर पे है, इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे। और कल्चर की बात करें तो इसमें कल्चर के 20 क्वेश्चन और 20 अंक के, 20 क्वेश्चन और 20 अंक के, तो टोटल कुल मिलाकर कितने अंक हो गए, 85 अंक, और 85 ही क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे रिटर्न के अंदर एग्जाम में, ठीक है। और 15 नंबर का क्या रहेगा आपका, इसमें इंटरव्यू रहेगा। ये तो देखो अपना इसमें प्रोसेस है। अभी अपन क्या करते हैं, जैसे आप देखो हिंदी पढ़ो चाहे कहीं भी अपन इंग्लिश पढ़ते हैं, तो सबसे मोस्टली एक ही चीज़ करवाई जाती है किसी भी कोचिंग में, कि आपको इसमें व्याकरण जो ग्रामेटिकल पार्ट है, ये इसमें आपको ग्रामेटिकल पार्ट इसको करा दिया जाएगा, ये कराते हैं, ग्रामर करा दिया जाता है। यहाँ भी आप देखो अंग्रेजी में सीधा कोई भी टीचर आता है, सबसे पहले और पहले क्या पूरा सिलेबस में क्या करवाता है, ग्रामर करवाता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर तो खैर अपन को आनी आनी चाहिए, लेकिन ग्रामर के जो रूल्स की बात करते हैं अपन, दोनों में ही देख लो चाहे आप रूल्स की बात, तो जहां तक मेरा एनालाइज है दोनों में ही 40% से ज्यादा ग्रामर का वेटेज नहीं है, टॉपिक ग्रामर का, लेकिन वेटेज कितना उसका रूल्स का, 40%। 60% दोनों के अंदर ही इसमें जो वेटेज है वो है इनकी वोकेब का। तो देखो अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इसमें अपन को क्या तैयार करना पड़ेगा, वोकेब तैयार करना पड़ेगा। यही रख के हमने देखो जब प्लान बनाया था ना यहाँ पर, तो हमने क्या किया था कि क्लास हम 4 आवर्स डेली क्लास करेंगे, 4 घंटा क्लास करेंगे, और 4 घंटे क्लास में आपने देखा होगा 1.5 आवर्स की तो किसकी होगी, आपकी हिंदी की क्लास हो रही होगी, आपकी 1.5 आवर्स की आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, एंड 1 आवर्स की आपकी कल्चर की क्लास होगी। ये अपना शेड्यूल है। इसमें भी हमने ये किया है, इसमें 1.5 आवर करने का कारण एक ही है, जैसे अपना पूरा कंप्लीट जैसे बैचेस बनता है, और आप आज से 10 दिन में कंप्लीट पूरा बैच बन जाएगा, उसमें हम इसको बिल्कुल दोनों को ही दो पार्ट में बांटकर इसकी स्टडी करवाएंगे। दो पार्ट में बांटकर का मतलब क्या है कि एक तो आपकी ग्रामर जो जनरल हर जगह पढ़ाई जाती है वो ग्रामर तो हम करवाएंगे करवाएंगे,
ग्रामर के साथ रोजाना इसमें वोकैब की प्रैक्टिस, यहीं पर आपको वोकैब की प्रैक्टिस। और अंग्रेजी की वोकैब 60% बच्चा जो फेल होता है वो किसमें होता है, वोकैब में होता है, आपको मालूम है। तो इसमें वोकैब की प्रैक्टिस कराएंगे और ग्रामर तो आपकी है, ये दोनों की बिल्कुल इंडिविजुअल क्लास लेंगे, दोनों की इंडिविजुअल क्लास लेगी, पहले ग्रामर की क्लास देन आफ्टर वोकैब की क्लास। तो वोकैब साथ साथ रेगुलर जब तक आपकी ये क्लास होगी तब तक ही आपकी क्या चलेगी, इसमें वोकैब की क्लास भी चलेगी। ये तो हमारा देखो हिंदी और इंग्लिश की अपन बात कर रहे हैं। तीसरा पार्ट अपन किसकी बात करें, कल्चर, जो मैं आपको कल्चर पढ़ाऊंगा। आर एस मैरिया देखो मेरा नाम है, अभी यहाँ का जो आर एस का बैच है, जितने भी लाइब्रेरी के जितने भी बैच निकले हैं, जितने भी सारे यहाँ पर करीब 2000 के लगभग हम स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं लाइब्रेरी के, तो इन पूरे के पूरे स्टूडेंट को हिस्ट्री और कल्चर वाला जो पार्ट है वो मैं ही पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट मेरी वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, श्री देखा होगा आपने, श्री समृद्धि क्लासेज के अगर देखा है तो वो वीडियो मेरे ही है। तो इसमें पूरा कंप्लीट, चाहे आर एस का हो, चाहे यहाँ का लाइब्रेरी का हो, चाहे अभी हिस्ट्री का ही, देखो हम नेट और जे आर एफ का हमारा बैच चल रहा है, तो हिस्ट्री का नेट जे आर एफ के अंदर भी मैं ही पढ़ाता हूँ और आप लोगों को भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यहाँ हाई कोर्ट की अगर मैं इंडिविजुअल बात करूँ तो हाई कोर्ट में देखो जो कल्चर है ना, वो कल्चर बिल्कुल हमारे जनरल अवेयरनेस के ऊपर है। एक सामान्य राजस्थानी व्यक्ति है और एक सामान्य राजस्थानी व्यक्ति को अपनी आसपास के वातावरण का कितना ज्ञान होना चाहिए, आसपास के वातावरण के बारे में क्या क्या घटित हो रही है, कैसा हमारा खान पान है, किस प्रकार के हमारी वेशभूषा है, कैसे हमारा रहन सहन है, किस प्रकार का रहन सहन है, कैसे हमारे धार्मिक रिवाज हैं, किस प्रकार के हमारी आर्थिक स्थिति है, कैसे हमारे जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो भी हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, हमारे जो कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य के अंदर कृषि से संबंधित कौन कौन सी आपकी शब्दावली है, किस किस प्रकार की शब्दावली है, पूरा कल्चर में देखो पूरा ताना बाना यही बना गया है। और यही आपके आता है, यही आता है आपके, चाहे आप इसमें लाइब्रेरियन की बात कर लीजिए, चाहे आप कल्चर की बात कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो कल्चर में एक ही चीज है कि हमें बिल्कुल ठेठ कल्चर पढ़ने के लिए राजस्थानी बनना पड़ेगा। राजस्थानी बनने का मतलब यह है कि हम, हमारा जो राजस्थानी अधिकांश जनसंख्या आपको मालूम है गांव के अंदर निवास करती है, तो हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, इस ग्रामीण परिवेश का जो पूरा वातावरण है, इसी वातावरण का हमें इसमें अध्ययन करना है, एक ही चीज है। केवल और केवल अगर संस्कृति की बात करेंगे ना, तो संस्कृति में हमें ग्रामीण परिवेश के वातावरण का अध्ययन करना है। आपके टॉपिक देखो, चाहे आपके देख लो, चाहे आपके देख लो, आप बताओ टॉपिक में पहला एक टॉपिक दे रखा आपके लोक देवी देवता, बताओ दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये दे रखा है लोक देवी देवता का टॉपिक दे रखा है। तो लोक देवी देवता क्या है, ये हमारी धार्मिक मान्यता है। और राजस्थान देखो कल्चर के रूप में इतना समृद्ध है कि हर जगह की एक अलग देवी और हर जगह का एक स्थानीय आपको देवता मिल जाएगा, मिलता है नहीं मिलता, हर जगह एक देवी और एक देवता की यहाँ पर पूजा की जाती है, हर जगह पर होगी चाहे वो कहीं पर भी हो, तो लोक देवी देवता का आपको यहाँ पर दिया गया है। दूसरा हमारे जो प्रमुख रूप से देखें तो आपको मालूम है राजस्थान के अंदर हमारी काफी प्राचीन जो प्रिमिटिव ट्राइब्स या जनजातियां निवास करती हैं, तो जो ये जनजातियां हमारे यहाँ पर निवास कर रही हैं, इन जनजातियों का पूरा रहन सहन खान पान, इनका शादी विवाह किस प्रकार का क्या होता है, इनकी देवी देवताओं को कौन सी की पूजा करते हैं और क्या क्या मान्यताएं हैं, इनकी जो पूरी शब्दावली है ये शब्दावली ही आपके सिलेबस में है, पूरे सिलेबस के अंदर आपके। तो इसमें देखो अपन पढ़ेंगे ना जनजातियों के अंदर, तो जनजातियों में अपन को क्या पढ़नी है, शब्दावली। अपन में हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट के अंदर सिलेबस में कहीं सीधा जनजाति शब्द नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है राजस्थान की शब्दावली, लिखा हुआ है राजस्थान की शब्दावली। तो राजस्थान की शब्दावली का मतलब क्या हो गया,
कि इसमें पूरी जनजातियों का और जो भी हमारी यहाँ पर अन्य जातियाँ हैं जो यहाँ पर निवास करती हैं, इनकी बोलचाल के अंदर किस वस्तु को, किस चीज को वो किस नाम से पुकारते हैं और किस नाम से जानते हैं, यही तो सारा हमको इसमें पढ़ना है। ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ये सारी चीजें हमको इसमें करनी है। ऐसा ही देखो, तीसरा पार्ट में आपको बताया था कृषि के बारे में, तो हमारे कृषि के देखो कौन कौन से औजार हैं, साहब कृषि के कौन कौन से हमारे प्रकार हैं, कृषि में किस प्रकार की कौन कौन सी कृषि की जाती है और किस कृषि के अंदर जैसे कौन से क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है, आदिवासी वगैरह की इनकी बात करेंगे और उसमें किस उपकरण को या उसको किन किन नामों से जाना जाता है, ये सारी बातें अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ऐसा देखो हमारे वेशभूषा के बारे में बताया गया है, तो वेशभूषा आप देखते हैं पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी है कि हर राजस्थान के बारे में कहा यह जाता है कि हमारे यहाँ पर हर 7 किलोमीटर पर तो पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 13 किलोमीटर के अंदर बोली बदल जाती है। बोली में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है हर 13 किलोमीटर के ऊपर, और पानी के स्वाद में भी आप देख लो थोड़ा बहुत बदलाव हर 7 किलोमीटर के ऊपर हमारे आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे इतना बड़ा जो राजस्थान है इसकी वेशभूषा भी अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की पहनी जाती है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। ऐसे देखो हमारे यहाँ दे रखा है कि जो महिलाएं और जो पुरुष हैं, तो कई देखो जनजातियां ऐसी हैं और जनजातियां क्यों सामान्य जातियां हैं, इनमें भी महिलाएं भी क्या करती हैं आभूषण पहनती है, महिलाएं तो पहनती पहनती आभूषण, महिलाओं के साथ कौन पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, तो पुरुष तो कौन से आभूषण पहनते हैं और महिलाओं के कौन से आभूषण लोकप्रिय है, कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, गले का आभूषण कौन सा है आपका, यहाँ पर सिर का आभूषण कौन सा है, कौन सा आभूषण कहाँ का है, ये चीजें अपन को देखो इसमें क्या की जाएंगी, अपन को तैयार की जाएंगी। ठीक है, ये बातें अपन इसमें करेंगे। तो आभूषण वाला पूरा इसमें टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर दे रखा है। आभूषण के साथ साथ ही देखो हमारी जितने भी लोक कलाएं हैं, ये लोक कलाएं, अब लोक कलाओं में आपका देखो गायन भी आ जाएगा, इसी में आपका नृत्य आ जाएगा, इसी में आपके नाट्य आ जाएंगे। तो नाट्य नृत्य गायन संगीत जो भी लोकगीत है हमारे, ये सारे लोकगीत और इसी में हमारी जो लोकोक्तियां हैं, ये लोकोक्तियां और मुहारे मुहावरे जो हम यहाँ पर बोलते हैं, इन सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस में है और दोनों के सिलेबस में है, चाहे आप लाइब्रेरियन की बात कर लीजिए चाहे आप हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, अपन को इन सब चीजों के अंदर ये पढ़ना है। तो अब देखो अपन इनमें पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल्चर का, आप बता दीजिए वही कल्चर अपन स्टार्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, एक टॉपिक अपन को इसमें पढ़ना है, बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो जो आपके सिलेबस में दोनों के ही। चलो मैं बता देता हूँ, कल्चर की बात करेंगे, आपका तो वैसे 12 बजे से अलग भी क्लास है, तो पहले अपन इसमें जो स्टार्टिंग करते हैं कि लोग देवी और देवताओं से करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक अपन कौन सा पढ़ेंगे, लोग देवी देवता, लोग देवी और देवता। अब देखो लोग देवी और देवताओं की बात करें तो लोग देवी और देवताओं में हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले अपने स्थानीय स्तर की बात करेंगे, लोक देवी तो किसे कहा जाता है और लोक देवता किसे कहा जाता है, लोक देवी और लोक देवता। एक तो देखो सीधा सा शब्द होता है देवता, और एक अपन क्या बोले लोक देवता। लोक का मतलब क्या होता है, जनता, लोक का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। तो देवता और देवी ऐसा है जो कोई ना कोई व्यक्ति था, कोई ना कोई या तो पुरुष था, तो पुरुष था तो वो देवता बन गया और महिला थी तो क्या बन गई, वो देवी बन गई। अब ये आम जन्मे से ही कोई महिला या पुरुष जिसने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया, समाज के लिए क्या किया उन्होंने, एक उत्कृष्ट कार्य किया। अब ये उत्कृष्ट कार्य कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे इन्होंने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया या यूं कहें कि महिलाओं की रक्षा की, कई प्रकार के उन्होंने चमत्कार किए,
जिनको हमारे यहाँ पर पर्चा देना भी कहते हैं, क्या कहते हैं अपन इसको, पर्चा देना भी कहते हैं, इन्होंने मातृभूमि की रक्षा की हो, किसकी रक्षा की हो, मातृभूमि की रक्षा की हो, या फिर हमारी सबसे बड़ा धन है जो गोधन है या गाय है, इन गोधन की इन्होंने रक्षा की हो, तो गोधन की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए, गोधन की रक्षा करते हुए जो वीर पुरुष शहीद हुए उन्हीं को हम हमारे आम बोलचाल के अंदर हमने देवता का क्या दिया, सम्मान दिया, और हम उसको क्या बोलने लगे, लोक देवता। ऐसी महिला जिन्होंने हमें अपने समाज के विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य किया, महिलाओं की रक्षा के लिए कार्य किया, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य किया, पूरे समाज की उन्नति के लिए कार्य किया और अपने चमत्कार प्रस्तुत किए, उन्हीं महिलाओं को हम किस नाम से पुकारने लग गए, लोक देवी पुकारने लग गए। आगे बात समझ में, तो देखो लोक देवी और लोक देवता ये कोई आसमान में से नहीं आए थे, ये हमारे ही बीच में से थे, हमारे ही बीच में से थे, लेकिन इन्होंने समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक आदर्श प्रस्तुत किया, और उस आदर्श प्रस्तुत करने के कारण से ही हमारा कल्चर, हमारी समृद्धि, हमारी विचारधारा इतनी उदार है कि हमने उनको एक देवी और देवता के रूप में उनको पूजने लग गए, और वही हमारे क्या बन गए, लोक देवी और लोक देवता। आगे बात समझ में, तो लोक देवी देवता आम जन में से ही महिला और पुरुष हैं, लेकिन इन्होंने कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है, ठीक है सर। अब देखो इनकी कुछ बेसिक्स अपन पढ़ते हैं और फिर दोनों में से कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक लेंगे। ये लोग देवी और देवता तो है ही है, इनके अलावा भी हमारे क्या होता है कि जो पर्टिकुलर कोई स्थानीय क्षेत्र होता है, पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष, इस स्थानीय क्षेत्र विशेष में, स्थानीय क्षेत्र विशेष में, स्थानीय क्षेत्र विशेष में किसी एक, आपका यहां पर किसी एक को विशेष माना जाता है और विशेष मानकर उसकी पूजा पाठ की जाती है। तो जो किसी स्थान विशेष का जो देवता होता है या जो लोक देवता होता है, उस लोक देवता को हम क्षेत्रपाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रपाल। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि साहब क्षेत्रपाल किसे कहते हैं, पता हो गया क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल किसे कहते हैं, स्थानीय स्तर का देवता, कौन से देवता, स्थानीय देवता, जो स्थानीय देवता होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्रपाल कहते हैं। इनको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है और इनको रेखला भी कहा जाता है, क्या कहते हैं उनको, रेखला। तो क्षेत्रपाल भी कह सकते हैं अपन, और क्षेत्रपाल के साथ साथ क्या कह सकते हैं, उनको रेखला भी कहा जाता है। ये क्षेत्रपाल या रेखलाओं में सबसे प्रसिद्ध जो क्षेत्रपाल है, ये सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रपाल है बहरुण जी। कौन से हैं, बहरुण जी। और आपको मालूम है बहरुण जी एक ऐसा क्षेत्रपाल है जो पूरे राजस्थान के अंदर पूजा जाता है, पूछते ही नहीं पूछते हैं, अलग अलग नाम से पूछते हैं, कहीं पर क्या नाम है और कहीं पर क्या नाम है, लेकिन सबसे अधिक पूजा जाने वाला अगर कोई क्षेत्रपाल है तो वो कौन है, बहरुण जी। याद रखना आपको, सबसे अधिक पूजा जाने वाले क्षेत्रपाल कौन है, बहरुण जी सबसे अधिक पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं, जो पूरे राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, करीब करीब पूरे उत्तरी भारत के अंदर बहरुण जी की पूजा होती है। समझ में आ गया, पूरा जो उत्तरी भारत है, संपूर्ण उत्तरी भारत के अंदर किसकी पूजा होती है, बहरुण जी की पूजा की जाती है। आगे बात समझ में, क्लियर चीज, कोई दिक्कत यहां तक, तो ऐसे तो देखो पूरे उत्तरी भारत में बहरुण जी को क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। और हमारे यहाँ तो एक मुहावरा भी है कि आधे में देवी देवता और आधे में खेतलाजी, सॉरी रेखला नहीं, इसको खेतलाजी बोलते हैं, मैंने क्लस शब्द काम ले लिया, खेतलाजी। आधे में देवी देवता और आधे में कौन, खेतलाजी, खेतलाजी बोल दो चाहे क्या बोल दो उसको, क्षेत्रपाल। और जहां बहरुण जी ज्यादा प्रसिद्ध है ना, वहां पर इसी लोकोक्ति को ऐसा बोल देते हैं कि आधे में देवी देवता और आधे में बहरुण जी, पता हो बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोला जाता है कि आधे में
देवी देवता आदि में छत्रपाल जी बोल दो, खेतला जी बोल दो या भैरू जी बोल दो। मेरा यहाँ पर आपको समझाने का औचित्य इतना ही है कि छत्रपाल या खेतला जी किसे कहा जाता है। तो छत्रपाल या खेतला जी किसे कहा जाता है, स्थान विशेष के देवता को क्या बोलते हैं अपने, छत्रपाल या खेतला जी कहा जाता है। सबसे अधिक लोकप्रिय खेतला या छत्रपाल कौन है, भैरू जी। वो कौन आ जाएगा आपका, भैरव जी सबसे अधिक लोकप्रिय छत्रपाल या खेतला जी हैं। ओके क्लियर चीज। दूसरा शब्द देखो हम इनको पढ़ते हैं तो एक आता है मामा जी। कैसा आता है, मामा जी। ठीक है, अब मामा जी कौन सा है, तो देखो मामा जी उस महान पुरुष को कहा गया है जो महिलाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। किसकी रक्षा करते हुए, महिलाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को, करते हुए जो वीर गति को प्राप्त होने वाले पुरुष हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्थानीय क्षेत्र में मामा जी के नाम से उनकी पूजा की जाती है। अगली बात समझ में, मामा जी किसे कहेंगे, महिलाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले पुरुष क्या कहलाए, मामा जी। और हमारे समाज में देखो ये मामा जी दो प्रकार के पूजे जाते हैं, एक तो मीठे मामा जी हैं और एक खारे मामा जी हैं। सुना है क्या नाम आपने, मीठे मामा जी और खारे मामा जी। ये तो हमारा कल्चर है, हमें हमारी कल्चर के बारे में जानकारी होना चाहिए, हम भूल ना जाएं। तभी तो सिलेबस में क्या जोड़ा गया है, ये कल्चर जोड़ा गया है, जबकि अपन सब आधुनिकता की चकाचौंध के अंदर इन सब चीजों को भूल गए, जानते नहीं है, आधे शब्द जानते नहीं है। अपन जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, हमें जानना चाहिए, हमारी संस्कृति का हमें आभास होना चाहिए। तो देखो मामा जी हो गए किसे कहते हैं, ये तो आपको पता चली गया, महिलाओं की रक्षा की करते हुए जो वीर गति को प्राप्त है वो क्या कहलाए, मामा जी। कितने प्रकार के वे, दो, ये तो मीठे मामा जी और दूसरे खारे मामा जी। मीठे मामा जी के तो क्या किया जाता है, मीठे मामा जी के तो देखो उसको सात्विक और सादा भोग लगाया जाता है, जैसे नारियल का, किसका, नारियल, नारियल का भोग पतासे नहीं होते, नारियल पतासे बोंगड़े वगैरह जो साधन आप प्रसाद चढ़ाते हो ना, तो ऐसा भोग तो किसको लगाया जाता है, मीठे मामा जी के। और खारे वाले मामा जी है ना, खारे वाले मामा जी के साथ बकरे का भोग लगाया जाता है। किसका लगाते हैं, बकरे का भोग। आगे बात समझ में, तो खारे मामा जी के तो किसका लगाएंगे, बकरे का, और मीठे मामा जी के नारियल पतासे या अन्य जो भी जो सामान्य चीजें हैं उनका भोग लगाया जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में। तो ये तो देखो मीठे मामा जी हो गया और ये क्या हो गया आपके, खारे मामा जी। ऐसे ही देखो आप एक शब्द और सुनते हो, झुंझार जी। झुंझार जी किसे कहा जाता है, झुंझार जी किसे कहा जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो बता सकते हो झुंझार जी किसे कहते हैं, झुंझार जी देखो ऐसा पुरुष कहलाता है जो मातृभूमि, किसकी, मातृभूमि एवं महिलाओं की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की एवं महिलाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, ऐसा पुरुष क्या कहलाया, झुंझार कहलाया। झुंझार जिसने अपने झुंझारूपन से साहब अपने गांव की भी रक्षा की और गांव की महिलाओं की भी रक्षा की, ऐसे ही पुरुष को क्या कहते हैं, झुंझार कहते हैं। और देखो जहां कहीं भी झुंझार जी की पूजा होती है ना, तो झुंझार जी की पूजा सिरविहीन जो इनका जो कुंभद होता है उसी की पूजा होती है। कहीं भी आपको झुंझार जी की मुंडी नहीं मिलेगी, सिर नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर तो उनका कट जाता है युद्ध करते करते, समझ में आ गया, और उनकी धड़ भी युद्ध करती है। तो झुंझार जी जहां कहीं भी हैं हमेशा उनकी धड़ की ही पूजा की जाती है, इनके शीर्ष नहीं होता है। और सबसे ज्यादा देखो झुंझार की पूजा होती है शेखावाटी अंचल में, कहां पर होती है, शेखावाटी अंचल में सबसे अधिक झुंझार जी की पूजा की जाती है। क्लियर चीज, ये तो देखो इनका हो गया। इसके बाद में झुंझार जी के बाद में अगर अपन बात करें तो एक शब्द और आता है भूमिया। आप में से कोई जयपुर का है, जयपुर क्यों आप, जयपुर का लोक देवता कौन सा है, भौमिया जी है। सबसे ज्यादा मान्यता जो भौमिया जी की वो कहां पर है,
जयपुर के अंदर ही है, जयपुर अंचल का लोक देवता कहलाता है भौमिया जी। सबसे ज्यादा मान्यता इसकी इसी की है। बात आती है भौमिया जी कहते किसे हैं, भौमिया जी कहते किसे हैं, तो बता सकते हो आप भौमिया जी किसे कहते हैं, बता सकते हो क्या? तो देखो भौमिया जी किसे कहते हैं, अगर उसकी अगर अपन बात करें तो भौमिया जी हम ऐसे पुरुष को कहते हैं जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। किसकी रक्षा करते हुए? मातृभूमि की, भूमि की रक्षा करते हुए। भूमि से ही क्या बना है? भौमिया। याद रख लेना, भूमि से क्या बन गया? भौमिया। तो भूमि की रक्षा करते हुए जो पुरुष वीर गति को प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया? भौमिया कहलाया। क्लियर चीज, आगे बात समझ में। और भौमिया जी की सबसे ज्यादा जो पूजा की जाती है वो कहां पर की जाती है? ये जयपुर अंचल के अंदर की जाती है। इसको जयपुर का लोक देवता कहते हैं। आगे बात समझ में। झूंझार जी की कहां पर होती है सबसे ज्यादा? शेखावाटी अंचल में, शेखा उनकी होती है। ये तो हो गया। ये ऐसे देखो एक शब्द और आता है बायासा। सुना क्या आपने कभी बायासा? ये शब्दावली बता रहा हूं मैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। बायासा आपको मालूम है, हमारे राजस्थान में तो देखो ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। युद्ध के अंदर उनको लगा कि साहब उनके वीर पुरुष हार रहे हैं, तो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए स्वयं को अग्नि या जल के अंदर डुबोकर अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? जौहर। तो बताओ जौहर की परंपरा थी कि नहीं थी? थी ना जौहर की परंपरा। अरे राजपूत या राजपूत के जो पुरुष थे वो तो क्या करते थे? केसरिया बाना, कि जब कोई चारा नहीं रहा युद्ध के अंदर और हम हार रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हार रहे हैं, कोई चारा नहीं है। मुस्लिम जो आक्रांता हमारे यहाँ थे वो क्या करते थे? महिलाओं का उसको महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय से ही हमारे यहाँ पर एक ऐसी परिपाटी चल पड़ी थी कि अगर जीतने के कोई चांस नहीं है और हम हारने वाले हैं तो पुरुष तो क्या करते कि केसरिया वस्त्र धारण करके आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए गढ़ के दरवाजे खोलकर दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते और टूट लड़ाई करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाते। वो तो क्या कहलाती? केसरिया पाना। और महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि में जलकर या फिर जल में कूद कर अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती थी, उसको क्या कहा जाता था? जौहर। और हमें यह भी पता है कि जहां पर जौहर और केसरिया बाना दोनों एक साथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साका। क्या कहते हैं उसको? साका कहते हैं। क्लियर चीजें जो अपने इतिहास में काफी पढ़ेंगे। यहां की बात करें बायासा जौहर स्थलों को ही कहा जाता है। बायासा किसे कहते हैं? जौहर स्थल, जहां पर महिलाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्राण त्यागे वो स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हो गए? बायासा के नाम से प्रसिद्ध हुई। महिलाएं यहाँ पर जाती हैं अपने रोगों का इलाज वगैरह, ऐसे मान्यता है कि इन स्थानों पर जाने से और इन बायासा की पूजा करने से महिला रोगों का इलाज हो जाता है। मानते हैं हम लोग, मानते हैं तो बहुत कुछ है और नहीं मानते हैं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है साहब, तो उनको क्या बोला गया? बायासा। ऐसे देखो अपने एक शब्द और आता है खवीजी। सुना है कभी पर आपने नाम खवी जी का? खवी जी किसे कहते हैं बता सकते हो? खवी जी, देखो गांव के अंदर खवी जी है ना, खवी जी को साहब भूतों से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। भूत प्रेत होता है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक जो माना जाता है वो खवी जी को माना जाता है कि खवी जी अगर रुष्ट हो गया ना तो ये पूरे परिवार को तबाह कर देगा, ऐसा माना जाता है। खवी कौन होते हैं? ऐसे पुरुष जिनकी अचानक मृत्यु हो गई, अब उनकी आत्मा ना तो भूत बन पाई ना ही परमात्मा से मिलिन हो पाई और वो यहीं पर क्या कर रही है? भटक रही है। वो क्या बन गए? वो कहलाए खवी। यानी जो भूत भी नहीं बन पाया, क्या नहीं बन पाया? भूत भी नहीं बन पाया। तो भूत और जीवित इंसान के बीच की जो कड़ी होती है ना, ऐसे लोग क्या कहलाए? खवी जी। और इनको
भूत प्रेत आत्माओं से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसलिए इनकी पूजा की जाती है कि जब तक ये शांत रहे ना तब तक ये ठीक है, अगर ये जाग गए तो इससे नुकसान हो सकता है, ये तबाही मचा सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये किसके लिए कहा जाता है? खवि जी के लिए कहा जाता है। ऐसे देखो एक शब्द और होता है पितृ। पितृ बोल दो, या बिल्कुल चलो सीधी सी भाषा में बोले अपन तो बोल देते पितर। अपने तो गांव में तो करीब करीब सभी के पितर होते हैं ना। पितर किसे कहते हैं? हमारा प्रियजन, परिवार का कोई व्यक्ति मर गया साहब, आकस्मिक मृत्यु हो गई उसकी, तो उसकी आत्मा परिवार के किसी अन्य व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है और वो बन जाता है पितर। ऐसा अन्य आत्मा, उसकी आत्मा जो किसी अन्य व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? पितर कहते हैं। और उस व्यक्ति की पितर के रूप में अपन पूजा करते हैं। काम बहुत मान्यता है साहब, काम में जब जैसे कोई शादी विवाह होता है, कोई जमारी वगैरह ले जाती है ना, हमारी रस्म वगैरह ली जाती है, तो किसी घर में पितर है ना तो पहले पितर की ली जाती है, पितर की नहीं ली तो पितर नाराज हो जाता है। होता कि नहीं होता? अरे नाराज हो जाते हैं, पितर साहब भैंस ने दूध नहीं दिया तो फिर देखो डायलॉग, पितरों की तो जुआरी नहीं दी। कितना भी अच्छी शादी कर दो तो क्या बोलेंगे? पितरों की तो जुआरी नहीं दी, पितरों के तो कपड़े ही लेकर नहीं आए। कहे का बात भरा है, पितरों के कपड़े ही लेकर ही नहीं आया। पता बोलते नहीं बोलते ऐसा? अरे राजस्थानी भाषा को राजस्थानी बनकर ही समझो, ठीक है ना, राजस्थानी कल्चर को, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो पितर वही है जो हमारे सब घरों में होते हैं। और आपको मालूम है अमावस्या को इनका जागरण किया जाता है, रात्रि जगह दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? हमेशा कब दिया जाता है? अमावस्या को, और शादी के बाद में तो हमेशा रात्रि जगह दिया जाता है। कितने इनका पितरों का दिया जाता है, चाहे हो या नहीं हो, हमेशा शादी होती है ना, तो शादी की जस्ट रात को ही अपन क्या करते हैं? पितरों का जागरण दिया, जब उसका उसको पितरों का क्या बोलते हैं उसको? पितरों की रात बोलते हैं उसको, पितरों की रात दी जाती है या पितरों को जगाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। क्लियर चीज? तो यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको कौन कौन से शब्द बताए हैं वो मालूम होना चाहिए। क्षेत्रपाल और दूसरा कौन सा? खेतला। क्षेत्रपाल को अपन क्या बोलते हैं? खेतला। खेतला या क्षेत्रपाल किसे कहा गया? स्थान विशेष का देवता। कौन सा देवता? स्थान विशेष का देवता। स्थान विशेष का देवता जो क्षेत्रपाल या खेतला है, इनमें सबसे लोकप्रिय खेतला जी कौन से हैं? भैरव जी। कौन से हैं? भैरव जी, जिसके पूरे राजस्थान में पूजा की जाती है। इनके बारे में कौन सी कहावत प्रचलित है? आधे में देवी देवता आधे में खेतला जी, आधे में खेतला जी। खेतला जी के बाद में दूसरा शब्द अपने कौन सा पढ़ा था? झुंझार। झुंझार किसे कहा जाता है? जो मातृभूमि और महिलाओं की रक्षा करते हुए जो वीर गति को प्राप्त होता है पुरुष, वो कौन कहलाता है? झुंझार कहलाता है। क्या कहलाता है? वो झुंझार कहलाता है। और झुंझार की जो मूर्ति होती है उसके उसके केवल किसकी पूजा की जाती है? धड़ की पूजा की जाती है, उसके शीर से नहीं होता। सबसे ज्यादा इसकी पूजा कहां पर होती है? शेखावाटी अंचल में होती है। दूसरा अपने शब्द क्या था? तीसरा मामा जी। मामा जी, मामा जी कौन से पुरुष कहलाए? ऐसे पुरुष जो महिलाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। किस रक्षा करते हुए? महिलाओं की रक्षा करते हुए जो वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे ही पुरुषों को क्या बोला गया? मामा जी कहा गया। मामा जी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो कौन सा? मीठे मामा जी, और दूसरा खारे मामा जी। मीठे मामा जी का भोग किसका लगाया जाता है? नारियल या पतासों का। जबकि खारे मामा जी के बकरे का भोग लगाया जाता है। भौमिया कौन कहलाते हैं? भूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले पुरुष क्या कहलाए? भौमिया कहलाए। आगे बात समझ में? भूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले पुरुष क्या कहलाए? भौमिया कहलाए। बाया से किसे कहते हैं? जौहर स्थलों को। किनको कहा जाता है? जौहर स्थलों को ही बायासा कहा जाता है। खवि जी किसे कहते हैं? ये यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और वो भूत प्रेत भी नहीं बन पाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? खवि जी कहा जाता है, जिनको भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। पितृ या पितृ किसे कहते हैं? पितृ या पितृ किसे कहते हैं? अगर हमारा कोई प्रियजन आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा किसी अन्य परिवार के किसी अन्य सदस्य में प्रवेश कर जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पितृ। पितरों का रात्रि जगह कब दिया जाता है?
अमावस्या को पितरों का राति जगा दिया जाता है। ओके दैट्स क्लियर, बताओ यहां तक की बात।